कि शी इज़ ए फोर टाइम यूनियन मिनिस्टर सेवन टाइम सांसद थ्री टाइम चीफ मिनिस्टर और इस माहौल में जब महिला वोट इतना महत्वपूर्ण है सब महिला वोट के बारे में बात करते हैं कि महिला वोट आजकल इलेक्शंस डिटरमिन करते हैं कि महिला वोटर जो चाहती हैं वही होता है कि महिला वोटर तय करती है कि कौन सरकार कैसी सरकार बनेगी तो इस समय जब महिला वोट इतना महत्वपूर्ण है मैं समझती हूँ कि महिला प्रधानमंत्री होना जरूरी है और मैं समझती हूं कि आफ्टर इंदिरा गांधी ममता बनर्जी को सेकंड महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए इंडिया के ये मेरी है। okay. ये मेरी मेरी राय राय है है पर्सनल जिस तरह से अगर आप इंडिया की बात करेंगे इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये कंसेंसस से ये अगर कोई कैंडिडेट आया तो ये कंसेंसस से बनाया जाएगा पर सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास हैं ज़्यादा दावा तो बड़ा उसी का बनेगा ये तो बातचीत तो चा, okay. बात से, से ये तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ तय किया जाएगा ठीक है अब एक परिवारवाद को लेकर बार बार बीजेपी कहती है मोदी जी कहते हैं सारे के सारे परिवारवादी हैं ये अब तो टीएमसी पर भी आरोप लगने लगा है कौन सा परिवारवाद है अभिषेक बैनर्जी कौन है बताइए अरे बीजेपी के परिवारवाद देखिए बीजेपी के कितने परिवारवाद हैं अभी नृपेंद्र मिश्रा के बेटे लड़ रहे थे चुनाव अभी पंकज दोवल आ गए हैं पता नहीं वो भी कोई थिंक टैंक चला रहे हैं जो दोवल साहब के बेटे हैं इतने सारे नेता हैं राजनाथ सिंह के बेटे हैं आ, जो सारे महाराष्ट्र के जो एनसीपी हैं या जो आ, आ, वो सारे परिवारवाद हैं आ, जो उनके कर्नाटक में उनके साथी दल जे देवगौड़ा और एच डी वो भी परिवारवाद है तो मैं समझती हूं कि बीजेपी परिवारवाद के बारे में नहीं बात कर सकती है बीजेपी को परिवारवाद करने के ऊपर बात करने का कोई हक नहीं है पर ऐसा कैसा निकलते। हो सकता है मानक की नेता के ऊपर है और आप वॉशिंग मशीन बन जाए इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है कि जब आपके पास चले जाए जाएंगे, आप धुल जाएंगे, दूध सी सफेदी से आए, आपको जाएगी उसको आ, हमारे जो, आ, टी -सी के नेता है तापस रॉय तापस रॉय को बीजेपी ने भ्रष्ट कहा कार्रवाई की तापस रॉय ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया प्रत्याशी बन गए बीजेपी के प्रत्याशी बन गए और बिल्कुल धुल गए साफ हो गए ठीक हो गए पर ये बंगाल भी गए बंगाल में बीजेपी इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई बहुत स्ट्रांग हो गई कांग्रेस और लेफ्ट एकदम खत्म हो गए भाई बीजेपी कितना परसेंट पैंतीस चालीस परसेंट वोट लेके आती है देखिए बीजेपी।, बीजेपी मैं समझती हूँ कि बीजेपी बंगाल में गलत तरीके से दंगे करके सांप्रदायिक भावना फैला करके दंगे करके वायलेंस करके लोगों को डरा के बीजेपी अपना वोट बनाती है वो कहते हैं वहाँ पे हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है मुसलमानों की पार्टी क्या है बात करते हैं बीजेपी आप आके दुर्गा पूजा देखिए हमारे यहाँ दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा इज यूनाइटेड नेशन इट एज अ वर्ल्ड लिविंग हेरिटेज हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है हमारे कितने उनको जो यात्रा निकालने जो, के लिए कोर्ट जाना पड़ता है जो को यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ता जी जो है वो कालीघाट मंदिर से जुड़ी हुई है वो कालीघाट मंदिर की भक्त है हमारे जो हमने जो नए नए मंदिर बनाए हैं हमारे जो टेरेकोटा टेंपल्स हैं हमारे जो एक नया मंदिर भी हम बना रहे हैं बहुत सारे मंदिर बना रहे हैं हमारे यहाँ सांप्रदायिक भावना नहीं है देखिए एक चीज में हमारी दीदी डटी हुई है कि सबके सबको साथ लेकर चलना है हमारी जो विविधता है भारत की जो विविधता है ये हमारी ताकत है हम ईद भी मनाएंगे क्रिसमस भी मनाएंगे अब दुर्गा पूजा भी मनाएंगे पूजा भी मनाएंगे जैसे दीदी कहती है धर्मो जार जार उत्सव सौबार अलग अलग धर्म है पर उत्सव हम साथ मिलकर मनाएंगे प्राण प्रतिष्ठान दिन के आ, के दिन में दीदी ने क्या किया ममता दीदी ने क्या किया प्राण प्रतिष्ठान जब सेरेमनी जब अयोध्या में हो रहा था तो ममता दी ने सारे धर्म के जो अलग अलग लीडर्स हैं कोई प्रीस्ट या मौलवी मौलाना साहब सबको लेकर के एक मार्च निकाला था ममता बनर्जी ने कलकत्ता में आपको याद होगा सो शी टुक आउट अ मल्टीफेथ मार्च ऑन द डे ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा तो मैं समझती हूँ कि इस रिलीजियस प्लिज्म पे ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है और हम बंगाल में आ, इसका इस, इस, इसकी रक्षा करेंगे हमारी विविधता की रक्षा करेंगे हमारे अलग अलग जो धर्म है अलग अलग सांप्रदायिक संप्रदाय सांप्र, तो है इनक, इनकी रक्षा करेंगे तो और कोई भी नहीं कह सकेगा कि हम एंटी हिंदू है एंटी मुस्लिम है ये है वो तो है के? हम धर्म की राजनीति नहीं करते सी एन आर सी लागू होने नहीं होगा सी आई सी एनआरसी बंगाल में नहीं होगा सी ए तो हो गया लागू कहाँ हो गया बंगाल में हम नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे नहीं होने धर्म के ऊपर नागरिकता नहीं डिटरमिन हो सकता है हम नागरिकता को जब आप डिफाइन करेंगे ये धार्मिक तौर तो पर ये धर्म को लेकर के आप सिटीजनशिप को नहीं डिफाइन कर सकते हैं अच्छा ये है जो <laughs> <laughs> अब अब <laughs> बंगलोज के लिए वो कर रहे हैं कि कौन, कौन सा बड़ा बंगलो लेगा वो इसके बहुत उनके अंदर लुकिंग फॉर बंगलोज मोदी के सारे मंत्री सबको बंगलो चाहिए अब तो खान मार्केट गैंग तो ये है खान मार्केट गैंग तो मोदी मोदी भाजपा खान मार्केट गैंग वो लाट

जब आपको पहली बार आपने एक्सेप्ट किया ये ऑफर आया और आपने ही वो सपोर्टिव देखिए हमारे हमारे विचार अलग अलग हैं राजदीप ऐसा तो नहीं है कि आ, विचार अलग है आपके बीजेपी वाले ने, तो दोनों को एक जोड़ के मानते हैं ने, 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 ट्रोलिंग ने, दोनों की एक साथ होती है आइडियोलॉजिकली वी वी आर वी मे बी ब्रॉडली ऑन द सेम पेज बट हमारे विचार देखिए राजदीप आ, पत्रकार हैं और ये तो बहुत पुरानी सोच हो गई ना कि अगर पत्नी एक तरफ सोचती है तो पति भी उसी तरह उसी तरह की सोच रखते हैं ऐसा नहीं है आ, उनके विचार अलग हैं मेरे विचार अलग है और पर दोनों निशाने पर रहते हैं बीजेपी के <laughs> <laughs> और उनके सपोर्टर्स पर, हर, पर ये जो मैंने जो निर्णय लिया है ये निर्णय शायद राजीव नहीं, नहीं लेता राजीव अभी भी पत्रकार है ही इज अ ट्रू जर्नलिस्ट एंड अब उनको का, उनका उनके काम से उनको जज कर सकते हैं वो ऐसे ही सवाल करते हैं जो तृणमूल से सवाल करते हैं कांग्रेस से सवाल करते हैं भाजपा से सवाल करते हैं तो हमारी विचार थोड़े अलग है मेरी विचार अलग है उनकी अलग है

यस yes. देखिए इस पर मैं कहूँगी कि जज राजीप हिज वर्क वर्क पे जज कीजिए किस तरह से वो प्रोग्राम करते हैं किस तरह से वो आ, सवाल पूछते हैं जैसे मैंने कहा उसी तरह से सवाल पूछते हैं तृणमूल से भी वो बहुत कड़े सवाल पूछते हैं कांग्रेस से सवाल करते हैं भाजपा से सवाल करते हैं तो मैं समझती हूँ कि अगर राजदीप पर शक है तो राजदीप का वर्क को जज कीजिए